गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि एक वीडियो बनाओ कैंसलेशन ऑफ एडमिशन पे। अगर कैपराउंड में मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है कैपराउंड 1 के बाद, या फिर ILS में मिल जाता है, तो क्या मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है एंड जो मैंने फ़ी पेड की थी वो मुझे वापस मिलेगी या नहीं। तो आंसर इस वीडियो में तो आपको मिल जाएगा, बट एक फेवर चाहिए कि वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा भी लगता है तो कमेंट करके जाओ, बिकॉज जितना ज़्यादा एंगेजमेंट उतना ज़्यादा यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा। एंड आई रियली वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन टू रीच मैक्सिमम स्टूडेंट्स। समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है कैपराउंड में, ठीक है, कैपराउंड 1 के बाद कैपराउंड 2 में आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, एंड देन आप नॉट फ्रीज ऑप्शन यूज करके कैप 2 में जो कॉलेज मिला है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, करेक्ट। बट एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे आपको कैपराउंड में एक कॉलेज मिला है एंड इंस्टीट्यूट लेवल सीट या फिर वी कैप में कोई और अच्छा कॉलेज मिला है, ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली पहले कॉलेज में जो एडमिशन आपने लिया है उसको कैंसिल करोगे, करेक्ट। एंड कैंसिल करके जो कॉलेज में आपको सीट मिली है, जो बेटर कॉलेज में, वहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहोगे। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी ये कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले लेते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने में टाइम लगाते हैं, या फिर कुछ तो नाटक होता है कि दे विल नॉट लेट यू गो, क्योंकि आपने फ़ी भी पे की है, सीट रिजर्व हो गई है। तो बहुत सारे अलग अलग पैंतरे वो यूज़ करते हैं जिससे आप डर जाते हो, एंड देन थिंग्स कैन गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आपको जो अच्छी सीट मिली थी बेटर कॉलेज में, जो सीट मिली थी वो आपके हाथ से निकल जाती है। तो रूल्स क्या कहते हैं, सीटी सेल के रूल्स क्या कहते हैं, ये MCA की PDF है। सिमिलरली MBA एंड MMS के लिए भी सेम रूल्स होते हैं, देर इज नो चेंज इन एनी रूल। तो रूल्स क्या कहते हैं, ये चार पॉइंट्स है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, आपने फ़ी पे कर दी है एंड आपको कैंसिल करना है, तो आपको वो डायरेक्टली अप्लाई करना है कैंसिलेशन के लिए, एंड जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स 2-3 दिनों में लौटाने चाहिए, एज वेल एज फ़ी भी जल्दी से लौटानी चाहिए। दिस इज़ द सिंपल रूल। का जो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट चाहिए कट ऑफ डेट के पहले जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कट ऑफ डेट के बाद आपने भेज दिया एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि पूरी फी रिफंड हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। ₹1,000 कट होने के बाद पूरी की पूरी जो रिमेनिंग फी है उतनी आपको आ जानी चाहिए आपके अकाउंट में, ठीक है। दिस इज द सिंपल रूल। एंड अगर आपने कट ऑफ डेट के बाद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया तो डेफिनेटली आप फी लूज कर दोगे। कट ऑफ डेट क्या होता है, तो चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट्स में चलते हैं। ये MCA के लिए है, MBA के लिए भी सेम डेट्स आ जाएगी, सो आप ये रेफरेंस के लिए कंसिडर करना। आप ये देख सकते हो कि लास्ट में ना कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जब कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं उसकी एक डेट होती है। अगेन अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट कि ये MCA का इन्फॉर्मेशन है, सिमिलरली MBA MMS के लिए भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट दिया है जो कि सबसे लास्ट होता है चीज, ठीक है। 18 नवंबर को होने वाला है MCA का, तो MBA का भी आसपास ही होगा, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी। तो ये कट ऑफ डेट है ना लास्ट स्टेज में से एक स्टेज, यू नो सब स्टेज होता है, उसके पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया ना, हाँ मुझे कैंसिलेशन करना है, देन येस वो फी वाला जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा, आपको रिटर्न मिल जाएगी एंड आपके डॉक्यूमेंट्स भी कोई होल्ड करके नहीं रखेगा। बट कट ऑफ डेट के बाद अगर आप अप्लाई करोगे देन यू आर इन ट्रबल, ठीक है। तो ये सेम इंफॉर्मेशन, ये जो पॉइंट्स है, चार पॉइंट्स है यहाँ पे दी है। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करके नहीं रख सकता। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ILS में अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, अच्छा इन द सेंस बेटर कॉलेज मिल जाता है एज कम्पेयर टू वॉट दे गेट इन द कैप राउंड। सो तभी ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ते ही नहीं अच्छे से, एंड दैट इज द रीजन दे गेट स्केर्ड व्हेन इंस्टीट्यूट से कि आपको फीस नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। आप एडमिशन विड्रॉ कर रहे हो इसीलिए 2 साल की जो फीस है वो आपसे ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एंड कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपने कैप राउंड्स में फाइट किया, आपको जो मनचाहा कॉलेज है वो नहीं मिला, एंड कट ऑफ डेट के पहले आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया कि नहीं यार मैं तो कैट दूंगा या फिर कोई और एग्जाम दूंगा तो मुझे कैंसिलेशन करवाना है, मुझे एडमिशन ही नहीं लेना, देन ऑल्सो दिस रूल इज इफेक्टिव कि हाँ भाई कैंसिलेशन करवा के फी रिफंड कर दो एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स भी रिटर्न कर दो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर ही दोगे, आई नो दैट।
बाकी इन्फॉर्मेशन कट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस फॉर एम बी एम एम एस कैप राउंड वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। एंड जितना टाइम आपके पास है थोड़ा सा वेबसाइट पे जाके ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ो कि स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं, देन जी डी वैट टॉपिक्स पढ़ लो, सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, शॉप सेक्शन एक बार देख लेना, वहाँ पे थोड़े अट्रैक्टिव डिस्काउंट से अपस्किलिंग के ऊपर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मेरा काम डन है, आप अपना काम कीजिए शेयर करने का, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।